नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुंदर सिंह मेहरा और हाउ टू हिंदी डॉट इन के यूट्यूब चैनल या फिर फेसबुक पेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस हाउ टू वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप लोग अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम कार्ड का पिन भूल गए हैं और आप लोग घर बैठे बिना बैंक जाए या फिर बिना एटीएम मशीन में जाए अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम कार्ड का पिन चेंज करना चाहते हैं, उसको रिसेट करना चाहते हैं, तो वो आप लोग कैसे आसानी से कर सकते हैं। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं इसको कैसे करना है तो फिर आप लोग इस वीडियो क्लास तक का देखते रहिए। तो अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम कार्ड का पिन चेंज करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट खोल लेनी है जो कि है onlinesbi.com। अगर आप लोग onlinesbi.com खोलेंगे तो यहाँ पर फिर आप लोगों से लॉगिन करने के लिए बोलेगा, आप लोग यहाँ पर से इस वेबसाइट पे लॉगिन कर लीजिए। तो मैं अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट में अपना यूजर आईडी और पासवर्ड और इस कैप्चा को डालकर लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर से देखिए, मैंने अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट में सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया है। अब आप लोग क्या करना है, यहाँ पर से आप लोगों को मेन्यू बार मिलता है और मेन्यू बार में यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन मिलता है ई सर्विसेज का। आप लोगों को ये जो ई सर्विसेज है इसके ऊपर माउस लेके आना है और जैसे आप लोग माउस लेके आएंगे तो यहाँ पर फिर आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा एटीएम कार्ड सर्विसेज। तो आप लोगों ने यहाँ पर से एटीएम कार्ड सर्विसेज को सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप लोग एटीएम कार्ड सर्विसेज को सेलेक्ट करेंगे तो फिर एटीएम कार्ड से संबंधित जितनी भी सेवाएं हम लोगों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देता है वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। क्योंकि हम लोग अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम कार्ड का पिन भूल गए हैं और हम लोगों को उसको रीसेट करना है या फिर उसको जनरेट करना है, तो उसके लिए यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन मिलता है एटीएम पिन जनरेशन। तो आप लोगों ने क्या करना है, एटीएम पिन जनरेशन को सेलेक्ट करना है। जैसे आप लोग एटीएम पिन जनरेशन को सेलेक्ट करेंगे तो फिर यहाँ पर आप लोग एटीएम पिन जनरेशन वाले पेज पर पहुंच जाएंगे। अब आप लोगों को अपने आप को वैलिडेट करना है, आप लोगों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सर्वर को ये बताना है कि आप लोग वही हैं जो इस अकाउंट के मालिक हैं। तो उसके लिए यहाँ पर आप लोगों को दो ऑप्शन मिलता है। सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन मिलता है यूजिंग प्रोफाइल पासवर्ड। अगर आप लोगों को अपना प्रोफाइल पासवर्ड याद है, मतलब कि अपना ट्रांजेक्शन पासवर्ड याद है, तो आप लोग इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। अगर आप लोगों को ये याद नहीं है तो आप लोग ओटीपी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इस केस में क्या होगा, जो भी आप लोगों का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड होगा मोबाइल नंबर, उसमें एक ओटीपी आएगा, फिर उस ओटीपी को यहाँ पर आप लोगों ने एंटर करना होगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पर से क्या करता हूँ, यूजिंग ओटीपी को ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर से इसको सेलेक्ट करा तो हमारे मोबाइल फोन में एक ओटीपी आ गया होगा। अब हम लोगों को उसको यहाँ पर एंटर करके सबमिट करना होगा। तो मैं उस ओटीपी को एंटर करके सबमिट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को अपने अकाउंट को सेलेक्ट करना होगा। तो अगर आप लोगों के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मल्टीपल बैंक अकाउंट है तो उसकी लिस्ट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी और जिस भी अकाउंट का वो एटीएम कार्ड होगा आप लोगों ने उस अकाउंट को सेलेक्ट करना होगा। तो मेरे उसमें यहाँ पर एक ही अकाउंट है तो मैं इसको सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को वो सभी एटीएम कार्ड देखने को मिल जाएंगे जो भी आप लोगों के इस बैंक अकाउंट से इशू हुए होंगे और उनका यहाँ पर आप लोगों को कार्ड का जो स्टेटस है वो देखने को मिल जाएगा। जैसे मेरे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बैंक अकाउंट में तीन कार्ड हैं जो कि एक एक्सपायर हो गया है, एक क्लोज कर दिया है मैंने, तीसरा यहाँ पर से एटीएम कार्ड है जो कि अभी एक्टिवेट है। तो हम लोगों को क्या करना है, ये वाला जो एटीएम कार्ड है इसी का पिन चेंज करना है। तो उसके लिए यहाँ पर आप लोगों को ये रेडियो बटन मिलेगा, आप लोग रेडियो बटन को सेलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा सबमिट का। तो आप लोगों ने यहाँ पर से सबमिट को सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही आप लोग सबमिट को सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर ये आप लोगों से बोल रहा है कि जो भी आप लोग अब अपने नए एटीएम का पिन रखना चाहते हैं, मतलब एटीएम कार्ड का जो आप लोग नया पिन रखना चाहते हैं उसके शुरुआत के जो दो नंबर होंगे उसको यहाँ पर आप लोगों ने एंटर करना है। तो जो भी आप लोग रखना चाहते हैं आप लोग उसको रख लीजिए और फिर आप लोगों ने सबमिट करना है। तो मैंने यहाँ पर से अपना पिन रख दिया है, अब मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दो डिजिट भेज दिए होंगे। अब आप लोगों को क्या करना है, जो दो नंबर अभी आप लोगों ने एंटर करे थे उसको यहाँ पर एंटर करना है और फिर जो दो नंबर आप लोगों को एसएमएस के रूप में मिले हैं आप लोगों ने उसको एंटर करना है। तो यहाँ पर आप लोगों को चारों नंबर जो है वो एंटर करने हैं। तो मैं यहाँ पर से चारों नंबर एंटर कर देता हूँ। जैसे आप लोग यहाँ पर से चारों नंबर एंटर करेंगे तो फिर यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन मिलता है सबमिट का। तो आप लोगों ने यहाँ पर से सबमिट कर देना है। तो उसके बाद यहाँ पर आप लोगों के पास एक मैसेज आएगा जिसमें लिखा हुआ है न्यू एटीएम पिन नंबर हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। तो हम लोगों ने क्या करा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हुए अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम कार्ड का पिन जो है उसको रिसेट कर दिया है और चेंज कर दिया है। तो जो भी आप लोगों का अब नया पिन है आप लोग उस पिन के थ्रू एटीएम मशीन में जाएंगे और ट्रांजेक्शन कर पाएंगे या फिर अगर आप लोग कहीं ऑनलाइन किसी वेबसाइट पर ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं एटीएम कार्ड के थ्रू तो वो भी आप लोग आसानी से कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोगों के काम आया होगा। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा या फिर आप लोगों के काम आया तो यहाँ पर लाइक बटन पर क्लिक कर इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप लोगों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम डेबिट कार्ड वर्चुअल कार्ड से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप लोगों ने इसी पोस्ट में आना है। इस पोस्ट का जो लिंक है आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और फिर यहाँ पर आप लोगों को नीचे आके ये कमेंट बॉक्स मिलेगा,
इस कमेंट बॉक्स में लिखकर आप लोगों के मन में जो भी सवाल हैं आप लोग वहां पर से पूछ सकते हैं। और ऐसे ही कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, वेब और टेक्नोलॉजी से संबंधित और बैंकिंग से संबंधित लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स और हाउ टू वीडियो देखने के लिए अगर आप लोगों ने अभी तक हाउ टू इंडिया टीचर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग यहाँ पर से लाल रंग के बटन में क्लिक कर लीजिए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बनी घंटी को जरूर से दबा लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिए। इससे होगा कि जितने भी हम वीडियो डालेंगे हाउ टू इंडिया यूट्यूब चैनल में उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा और फिर आप लोग उन वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। देखते रहिए, सीखते रहिए हाउ टू।